हेलो दोस्तों, एवल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम रीज़न जानेंगे कि ऐसा क्यों, क्या रीज़न है जो हम हमेशा ऐसा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डॉक्टर्स हमेशा वाइट कोट ही क्यों पहनते हैं? ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट ही क्यों स्टॉप का सिग्नल माना जाता है? मंदिर में एंट्री से पहले घंटी क्यों होती है? एरोप्लेन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को स्विच ऑफ क्यों करना चाहिए? हमेशा हर जगह टैक्सी का कलर येलो ही क्यों होता है? आइए जानते हैं इन सवालों का जवाब ऐसा क्यों में। हम बहुत सारे लोगों ने प्लेन में सफर जरूर किया है, पर सब लोगों ने प्लेन की एक चीज नोटिस कभी नहीं की, और की भी होगी तो उसके पीछे का कारण कभी नहीं जाना। दोस्तों, हम हमेशा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को प्लेन में ट्रेवल करते समय स्विच ऑफ या एरोप्लेन मोड में डाल देते हैं, पर ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? दरअसल दोस्तों, जब प्लेन ट्रेवल करता है तो बहुत तेज स्पीड होती है प्लेन की, जिसके कारण प्लेन में बैठा यात्री जब नेटवर्क यूज करता है तो नीचे कई नेटवर्क टावर्स रैंडमली शिफ्ट होते हैं। इससे दोस्तों प्लेन को कोई खतरा नहीं है, पर नेटवर्क टावर्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसलिए प्लेन में हमेशा फोन एरोप्लेन मोड में रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, हम लोग मंदिर जाते हैं और हमेशा एंट्री से पहले घंटी लगी होती है। तो दोस्तों, वो घंटी क्यों लगी होती है और बहुत लोग हमेशा उसे बजाकर ही मंदिर में एंटर होते हैं, ऐसा क्यों, क्या रीजन है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जो घंटी होती है उसको बजाने पर साउंड प्रोड्यूस होती है और वो वाइब्रेशन के वे में हमारे ब्रेन तक जाती है। उससे हमारे ब्रेन के अंदर जो भी चल रहा होता है वो सोच थोड़ी सी कम हो जाती है, बेल की वाइब्रेशन की वजह से ब्रेन हल्का होकर अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। बेसिकली बेल कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देती है, जिससे आप फोकसली प्रे कर पाते हैं। इसलिए कुछ लोग अपने घर में बने मंदिर में भी बेल रखते हैं, ताकि वो बेल की वाइब्रेशन से फोकसली पूजा कर सके। एक बात ये भी है कि बेल से साउंड निकलती है और वो वाइब्रेशन के फॉर्म में एनवायरनमेंट में इको होती है, और वो वाइब्रेशन आप बेल पर देख सकते हैं। एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि ये इको 7 सेकंड्स के लिए होता है, जी हाँ, 7 सेकंड्स के लिए। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा कि 7 कितना मिस्टीरियस नंबर है, यहाँ पर भी 7 आया। अगर हमारे नए व्यूअर्स को नहीं पता कि 7 कितना मिस्टीरियस नंबर है तो हमारी पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टैक्सी हमेशा येलो क्यों होती है? हमने ज़्यादातर स्टेट्स में, ज़्यादातर कंट्रीज में टैक्सी को हमेशा येलो देखा है, पर ऐसा क्यों, येलो ही क्यों? दोस्तों, कुछ साल पहले एक सेल्समैन था जिनका नाम था जॉन हर्ट्स। उनका बिजनेस था कार्स बेचने का। उन्होंने 1907 में टैक्सी बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा और कलर टैक्सी का उन्होंने येलो चूज किया। जब उनसे पूछा कि येलो ही क्यों, तो उन्होंने बताया येलो काफ़ी ब्राइट कलर है, साथ ही साथ शाइनी भी है और ये कलर अट्रैक्टिव भी है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो ने भी येलो को टैक्सी के लिए सुटेबल कहा, क्योंकि येलो ब्राइट शाइनी तो है ही, इसके अलावा वो इजी टू स्पॉट भी है। दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल तो हम सभी ने देखा होगा। ट्रैफिक सिग्नल में अगर गाड़ियां रोकनी है तो वहां पर लाइट का रेड होना जरूरी है, यानी अगर रेड लाइट होगी तो सारी गाड़ियां रुक जाएगी। लेकिन वहां रेड ही क्यों, वहां कोई और कलर भी तो हो सकता था, जैसे येलो स्टॉप करने के लिए या ग्रीन स्टॉप करने के लिए, बट वहां रेड ही होता है, ऐसा क्यों? दोस्तों, बाकी कलर कंपैरिजन में रेड लाइट वेवलेंथ में सबसे लंबी होती है। लंबी होने के कारण जो हवा में पार्टिकल्स होते हैं उनसे वो सबसे कम टकराती है, और कम टकराने से ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करती है। इसलिए रेड कलर अगर ग्लो करे तो दूर से दिख जाता है। रेड कलर की इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए ट्रैफिक सिग्नल्स ने रेड कलर को चूज किया। इसी सेम मैकेनिज्म को रेलवेज भी फॉलो करते हैं। तभी आपने देखा होगा ट्रैक के आसपास छोटे सिग्नल्स होते हैं जो रेड से ग्रीन, ग्रीन से रेड होते हैं। आपने हमेशा डॉक्टर्स को व्हाइट कोट में देखा होगा, पर ऐसा क्यों, क्यों वो व्हाइट कोट ही पहनते हैं, आइए जानते हैं ऐसा क्यों। डॉक्टर्स बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते समय बहुत सारे पेशेंट से मिलते हैं,
तो कई फ्लूइड्स जैसे ब्लड आदि उनके कपड़ों पर लग जाते हैं, जिसके कारण वो वाइट पर इजीली स्पॉटेबल होते हैं और डॉक्टर्स उन कपड़ों को चेंज कर पाते हैं ताकि वो इन्फेक्शन से बचे रहें। दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि वाइट क्लीनिनेस को दर्शाता है, जिससे लोगों को क्लीन रहने की प्रेरणा मिलती है। आज की हमारी इस वीडियो ऐसा क्यों में बस इतना ही। जल्द लौटेंगे इस सीरीज के नए पार्ट के साथ। आपके मन में ऐसा क्यों के लिए कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछें। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस।